माय नेम इज कुणाल। मैं आज आपको मैथ्स पजल सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, वीडियो को अंत तक देखिए। और आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ में एक मैथ्स पजल दिख रहे हैं। तीनों मैथ्स पजल में तीनों में हमें तीन तीन डिजिट दिए हुए हैं। पहला जो है उसमें हमें 42 दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है और 38 दिया हुआ है। सेकंड में हमें 28 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है और 23 दिया हुआ है। और जो थर्ड है उसमें हमें 39 दिया हुआ है और 37 दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हमें इस फैक्ट सॉल्यूशन में यही ढूंढना है कि ये मिसिंग नंबर कौन सा, यानी यहाँ कौन सा आंसर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम 42 माइनस 38 करेंगे, 2 माइनस 38, तो हमें इसका आंसर 4 मिल जाएगा। इसका आंसर हमें 4 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ 4 गुना 11 करना है। तो हम अगर यहाँ 4 गुना 11 करेंगे तो हमें इसका आंसर 44 मिल जाएगा। तो यहाँ भी 44 है, यानी हमारा ये आंसर करेक्ट है। तो चलिए सेकंड में देखिए। तो सेकंड में हमें 28 माइनस 23 करना है, 28 माइनस 23, तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, तो हमें इसका आंसर 5 मिलेगा, 5। तो हमें 5 गुना 11 करना है, तो हम यहाँ 5 गुना 11 करेंगे तो हमें इसका आंसर 55 मिल जाएगा, बराबर। तो हम थर्ड में देखते हैं। अब हमें यहाँ 39 माइनस 37 करना है, तो हम 39 माइनस 37 करेंगे तो हमें इसका आंसर 2 मिल जाएगा, यानी 2। तो हम 2 गुना 11 करेंगे, तो हम यह 2 गुना 11 करेंगे तो हमें इसका आंसर 22 मिल जाएगा। यानी यहाँ कौन सी संख्या आएगी, 22 संख्या। यानी हमारे इस मैथ्स पजल में जो मिसिंग नंबर था वो हमें मिल चुका है, 22। तो दोस्तों आपने इसमें एक नोट किया, देखिए इसमें एक कॉमन है, देखिए यहाँ भी 11, यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11 है, तीनों में 11 आया, ये आपने नोट किया हुआ तो अच्छा। तो दोस्तों देखा मैंने आपको कैसे मैथ्स पजल सॉल्व करके दिखाई। तो आगे मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।